सुपेला स्थित आकाशगंगा व्यवसायिक परिसर में हर साल की तरह इस साल भी आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा नवरात्र पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या की राम मंदिर की झांकी यहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर साल की तरह इस साल भी आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आकाशगंगा परिसर में माता दुर्गा की स्थापना की गई। साथ ही अयोध्या की थीम पर बने यहां पर राम मंदिर की झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिदिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई। तत्पश्चात शाही भोग भंडारे का आयोजन भी यहां पर किया गया। प्रतिदिन भंडारे में यहां पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं को परोसे गए। समिति के द्वारा पर्व को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है। साथ ही आने वाले दिनों में अन्य आयोजन क्या क्या किए जाएंगे इसे लेकर बताया। यहाँ पे 10 दिन के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। माता रानी का जोरों शोरों से भंडारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? ये सराफा मार्केट के द्वारा चलाया जा रहा है। सराफा व्यापारी लगभग सारे मिलके और मोबाइल एसोसिएशन के व्यापारी मिलके ये भंडारा चला रहे हैं। डेली लगभग 3 से 5 हज़ार लोग भंडारा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और डेली नई नई डिशेज बन रही है। आज दावेली है, मालपुआ है, ढोकला है, तो बहुत ज़बरदस्त लेवल का काम हो रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लेवल का काम नहीं होता है। मेरा भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम इतना बड़ा भंडारा कराने का हो रहा है। बाकी जगह नॉर्मली जैसे खिचड़ी वगैरह बांटी जाती है, नॉर्मली दूसरी चीज़ बांटी जाती है, और यहाँ पे नए नए पकवान बना के बांटे जा रहे हैं। इसको शाही भंडारा का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, शाही भंडारा का नाम बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और इतने पकवान कहीं पर भी नहीं बनाए जाते हैं। इतिहास है आज तक का कि इतने सारे पकवान यहाँ बनाए जा रहे हैं। आज षष्ठी है, सुबह की आरती हुई है, अभी शाम को फिर आरती है, और हम जिसमें कि महाभंडारे का आयोजन कर रहे हैं अष्टमी को, और अभी रोज भंडारे का आयोजन है। और मतलब हो ये रहा है कि आप रोज रोज भक्तों की भीड़ निरंतर बढ़ ही रही है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम इतने लोगों को माता रानी का दर्शन करा पा रहे हैं और सबको माता रानी का आशीर्वाद दिलवा पा रहे हैं। माता रानी से ये कामना है कि पूरे भिलाईवासी आकाशगंगा आएं, एक बार आके यहाँ दर्शन करें सभी और भंडारे का लाभ। ये 22 वर्ष हो गया है यहाँ। आत्माराम जी सालानी का देन था, पापा और आत्माराम सालानी जी मिलके यहाँ पिछले 22 वर्षों से लोग दुर्गा जी माता रानी की स्थापना यहाँ कर रहे हैं आकाशगंगा में। और अब हम जूनियर्स के हाथ में आया है, तो हम लोगों ने और भव्य लेवल पे इसको लेके गया है। और आशा करते हैं पूरे भिलाई वासियों से कि आप अवश्य आएं। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, राम मंदिर अयोध्या का स्वरूप दिया गया है। हाँ, श्रद्धालुओं में कैसा रुझान है, कितना उनको पसंद आ रहा है ये जो थीम आपने रखा है? बहुत ही अच्छा, श्रद्धालु लोग बोल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पंडाल बनाया है। और मेरे मानने से दुर्ग भिलाई का वन ऑफ द बिगेस्ट पंडाल, क्योंकि जो कलर थीम कॉम्बिनेशन हमने दिया है एज इट इज़, यही सेम आपका राम मंदिर अयोध्या में जो बनने वाला है, जिसका उद्घाटन श्रीमान मोदी जी प्रधानमंत्री करेंगे। माता से यही कामना करते हैं पूरे भिलाई वासियों के लिए कि सब खुश रहें, सबका जीवन अच्छे से निकले, यही कामना करते हैं। दुर्गा उत्सव समिति का यह जो आयोजन किया गया जनता जनार्दन के लिए, सुख और शांति के लिए, कि जनता जनार्दन जहाँ सुख और शांति से रहेगा वहीं व्यापारी वर्ग भी खुश रहेगा, कि हमारे ग्राहक खुश हैं तो व्यापार भी खुश रहता है, दुकानदार भी खुश रहते हैं। माँ दुर्गा का पंचमी का आज दिन है और यहाँ की जनता जनार्दन के लिए महाभंडारा का आयोजन किया गया है। पूरी है, पुलाव है, पनीर की आज सब्जी है और खीर है और ढोकला है। प्रतिदिन व्यापारी संघ दुर्गा उत्सव समिति प्रतिदिन यह जो भंडारा का जो आयोजन है एक एक आइटम चेंज करते रहती है। आइटम चेंज करके यह महाभंडारा का आयोजन किया। प्रतिदिन लगभग 5,000 लोगों का प्रसाद ग्रहण होता है। और यह जो मंदिर बना है अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जो पंडाल के रूप में है, कोशिश किया गया है क्योंकि राम अयोध्या मंदिर तो अभी बन रहा है नया स्वरूप, लेकिन उसका भी यहाँ स्वरूप दिया गया है। व्यापारी संघ की एकता का यह प्रतीक है। और यह जो भंडारा किया जा रहा है कि सब लोग एक प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं, यही हमारी व्यापारियों का एकता का प्रतीक है। और यह प्रति वर्ष यह आयोजन आगे भी चलता रहेगा। बहरहाल समापन पर भोग भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।